आज हम करने वाले हैं किचन ट्रॉली क्लीनिंग मतलब कि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि हाउ टू क्लीन किचन ट्रॉली किचन कैबिनेट और इस वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने बताया है जो कि सनमाइका होता है ना ट्रॉली के दरवाजों के ऊपर उसे किस तरीके से क्लीन करना है क्योंकि बहुत ज्यादा किचन में हम किचन में तो खाना बनता है और उसकी वजह से चिपचिपापन बहुत ज्यादा हो जाता है और साथ ही में जो किचन ट्रॉली है उसे किस तरीके से रिमूव करें यानी कि ट्रॉली किस तरीके से निकाले बहुत ही इजीली और जो भी ट्रॉली के अंदर है ना जो साइड वाले चैनल होते हैं जो कि लोहे के बने होते हैं तो इसमें है बहुत ज्यादा जंग लग जाता है यानी कि रस्ट हो जाता है और उससे टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करेंगे ना तो आपकी किचन ट्रॉली का जो लाइफ है वो बहुत कम हो जाएगा मतलब कि बहुत कम समय में ही किचन ट्रॉली जो है आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है इसीलिए सही सही टाइम पे मतलब टाइम टू टाइम क्लीन करना जरूरी हो जाता है और वैसे भी दिवाली आने वाला है तो हम सभी अपने घर के स्पेशली किचन एरिया को मतलब कि किचन को तो डीपली क्लीन करते ही हैं और उसमें सबसे मतलब मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है को हमारे किचन ट्रॉली का भी होता है क्योंकि उसे निकालना खोलना और बाहर अंदर हर कोने तक अच्छे से साफ करना पड़ता है तो इस वीडियो में मैं वही एक एक मतलब छोटा छोटा जगह भी जो किचन ट्रॉली का होता है ना अंदर से डीपली मैंने क्लीन किया है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन अगर मैं उसे कट कर दूंगी तो फिर आपको डिटेल वीडियो मतलब नहीं मिल पाएगा इसलिए थोड़ा समय दे दीजिएगा इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा और इसी तरीके से क्लीन करेंगे तो 101 परसेंट आपका जो किचन ट्रॉली है किचन कैबिनेट है नए की तरह चमक उठेगा तो इसे क्लीन करने के लिए मैंने एक लिक्विड तैयार किया है एक मिश्रण बनाया है तो इसमें मैं ले रही हूं नींबू अगर नींबू नहीं है तो आप वेनेगर ले सकते हैं व्हाइट वेनेगर और अगर वेनेगर नहीं है तो नींबू ले लीजिए अगर दोनों है तो बहुत अच्छी बात है तो इस मिश्रण को बनाने के लिए मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल थी तो मैं दोनों यूज कर रही हूं एक नींबू का रस डाल दिया है अब इसमें मैं एक बड़ा चम्मच भर के नमक डाल रही हूं और एक आधा चम्मच मतलब एक बड़ा चम्मच ही है उसका आधा लिया है मैंने सरफ जो नॉर्मली घर पे हमें मतलब कि खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना वही चम्मच यूज किया है मैंने कोई मेजरमेंट के लिए स्पेशल जो मेजरिंग कप या चम्मच होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया है और आधा कप के करीबन मैंने विनेगर डाला हुआ है इसमें अब और अब मैं इस खाने वाला सोडा डाल रही हूं एक छोटा चम्मच सिर्फ और अब अच्छे तरीके से इस मिश्रण को आपको मिक्स कर लेना है अगर वेनेगर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैंने एक नींबू लिया है तो आप दो नींबू ले लीजिएगा और अगर नींबू नहीं है तो वेनेगर का मात्रा जो है वो आप बढ़ा दीजिएगा बस यही काम आपको करना है अगर दोनों है तो पहली बोल दे कि बेस्ट है तो ये मिशन हमारा रेडी हो गया इससे आपकी जो ट्रॉली है ना डिपली क्लीन होगी और बहुत ज्यादा सरफ का यूज मत कीजिएगा किचन कैबिनेट के जो दरवाजे है ना उस उसपे डाक ढब्बे रह जाएंगे इजिली नहीं जाएगा तो चलिए अब हम क्लीन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में कि इस ट्रॉली को कैसे निकाला जाए मतलब हाउ टू रिमूव किचन ट्रॉली क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे जब मैंने आ, वीडियो इसके पहले पोस्ट किया था कि किचन ट्रॉली की डीप क्लीनिंग कैसे करें उसमें बोल रहे थे कि आप मतलब प्रॉपर वीडियो बनाइए कि कैसे निकालते हैं हमारा जो किचन ट्रॉली है वो निकलता ही नहीं है तो देखिए जब मैंने किचन ट्रॉली को खींचा तो यहाँ छोटा सा आपको पिन लग पिन दिख रहा है मैंने कैमरा को जूम करके शूट किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ पाए और आप अपना किचन ट्रॉली इजिली निकाल पाए तो देखिये दूसरे साइड भी आ गए हम तो वो साइड की जो पिन थी ना वो ऊपर की ओर जा रही थी और ये साइड के पिन नीचे की ओर तो दोनों पिन को एक साइड के ऊपर एक साइड के नीचे कर देना है और इसे फिर खींच लेना है अपनी ओर बहुत ही आसान से निकल जाती है तो इससे हमने निकाल लिया है और इसमें बहुत सारी जगह आप देख सकते हैं रस्ट लग चुका है यानी कि जंग लग चुका है इसे हम क्लीन करेंगे आगे आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए इसी तरीके से जो दूसरा ट्रॉली है उसे भी हम निकाल लेंगे बस पिन को आपको ऊपर कर लेना है और एक साइड का नीचे जाएगा उसे नीचे कर लीजिएगा और अपनी ओर खींच लीजिएगा इसी तरीके से हम सारे किचन ट्रॉली को निकाल लेंगे और ये देखिए कितना सारा जो सबसे नीचे वाला ट्रॉली होता है ना उसमें मतलब कई बार हम डब्बा या कुछ रख देते हैं या बच्चे कुछ रख देते हैं तो डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा चिपक जाता है नीचे वाले एरिया में तो सबसे पहले इसे हम झाड़ू की मदद से निकाल लेंगे क्योंकि डायरेक्टली अगर आप पोछा से करेंगे गीले कपड़े से ना तो वो चिपक जाएंगे तो उसे मैंने झाड़ू से क्लीन कर लिया है और अब ये जो चैनल होते हैं ना दोनों साइड लगे होते हैं उसे खोल लीजिए और जो हमने स्पेशल वाला जो ये मिश्रण लिक्विड बना के रेडी किया है ना इससे तो जो रस्ट है ना बिल्कुल दो मिनट में निकल जाता है क्योंकि इसमें जो नमक है और जो वेनेगर नींबू है ना ये बहुत ही कमाल का काम करता है रस्ट को निकालने के लिए यानी कि जंग को निकालने के लिए तो बस इसे आप अप्लाई कर दीजिए किसी भी खराब टूथब्रश ले लीजिए और उसकी मदद से आप बढ़िया से अप्लाई कर दीजिएगा और इसे अप्लाई करने के बाद है ना आपको सिर्फ और सिर्फ इस मिश्रण को पांच मिनट के लिए छोड़ देना है इसके ऊपर तो सारे जो चैनल है उसे मैं खोल करके फटाफट से इसे अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ नीचे वाला जो फर्श है वो तो अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने दीवाल भी साफ कर लिया और अंदर का जो एरिया है अच्छे तरीके से गीले कपड़े से पोछने के बाद सूखे कपड़े से पोछ लिया और जो हमने ट्रॉली अब निकाल करके रखा है उसका जो चैनल है वो लोहे का जो साइड में लगा हुआ है उसपे भी सेम इस मिश्रण को हम ब्रश की मदद से बढ़िया से लगा देंगे और बाकी वो जो पहले से लगा के रखा है उसे लगभग पांच मिनट के लिए जो पहले ही बोला मैंने कि रहने देना है तो बस इसे भी इसी तरीके से लगाना है और सारे ट्रॉली के चैनल के ऊपर लगा लेंगे और फिर इसे पांच मिनट के लिए हम आराम होने देंगे ताकि वो बढ़िया तरीके से जो जंग लगा है वो निकल पाए तो यहां पर भी मैं इसी तरीके से सारे किचन ट्रॉली के चैनल पे अप्लाई कर लेती हूँ फटाफट से और जो अंदर का स्टील वाला एरिया है ना और जो अंदर दिख रहा है आपको व्हाइट वाला एरिया लकड़ी वाला उसे भी बहुत ही बढ़िया से ब्रश की मदद से हम अच्छे से एक बार सारे मतलब मिश्रण को सारी जगह अप्लाई कर देंगे क्योंकि कई बार हम गीले बर्तन रख देते हैं ना ट्रॉली के अंदर तो उसी के वजह से जंग जो है वो लग जाता है लेकिन टाइम टू टाइम अगर आप क्लीन कर लेंगे ना तो निकल भी जाएगा कोई बहुत बड़ा मतलब बात नहीं है कि नहीं निकलेगा वैसा वाला कुछ नहीं है और अब मैंने सूखा कपड़ा ले लिया है पांच मिनट लगभग हो गए थे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं कि कितना ज्यादा जंग हमारे कपड़े में मतलब आप देख पा रहे निकल रहा है मतलब आंखों से देखा हुआ रिजल्ट है ये जो मिश्रण है वो बहुत ही कमाल का, का काम करता है और इससे आप किसी भी लोहे पे लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में कहीं भी जंग लगा होगा ना तो आप उसे निकाल सकते हैं लोहे का बर्तन होता है ये मुझे नहीं मालूम है मतलब <laughs> जो भी लोहे का सामान होता है उसका जंग आप आसानी से इस मिश्रण से निकाल सकते हैं तो अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा है सूखे कपड़े से पोछना है सेकेंड टाइप जब आप इसे क्लीन करेंगे पोछेंगे तो गीले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये तो आप सभी को पता होगा कि जब गीले कपड़े का हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां जंग लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं इसीलिए बिल्कुल सूखे कपड़े से जहां जहां हमने इस लिक्विड को लगाया है वहां उस जगह हम सूखे कपड़े से गीले कपड़े से नहीं सूखे कपड़े से अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे पोष लेंगे एरिया को तो बस अब फटाफट से हम सारे किचन ट्रॉली को इसी तरीके से साफ कर लेते हैं और अब हम अंदर की तरफ जिसे लगाए थे ना ये वाला मिश्रण उसे भी बिल्कुल सूखे कपड़े से ही साफ करना और ये देखिए कितना ज्यादा रस जो है वो कपड़े में हमारे आ चुका है जो कि आप देख ही पा रहे होंगे तो बस सारे चैनल्स को बढ़िया से हम साफ कर लेंगे ट्रॉली को भी साफ कर लिया है लगभग अच्छे तरीके से ट्रॉली भी हमारा ड्राई हो चुका है बढ़िया से सूख चुका है तो अब बारी आती है जो हमने साफ करके रखा हुआ है किचन ट्रॉली को उसे लगाने की तो जब आप इसे लगाएंगे ना तो आपको खाचा जो बना होगा वो दिख जाएगा उसके अंदर लगा देना है ट्रॉली को और उसके बाद जो पिन हमने निकालते टाइम पुश किया था ऊपर नीचे किया था वैसे ही सेम आप ऊपर एक साइड के पिन को ऊपर कीजिए एक साइड को पीन के वो नीचे कर लीजिए और उसके बाद किचन ट्रॉली को अंदर की ओर पुश कर दीजिए तो बस ये किचन ट्रॉली लग गया बहुत ही आसान सा काम है किचन ट्रॉली को रिमूव करना तो बस सारे मैंने किचन ट्रॉली को लगा दिया अंदर और सबसे पहला वाला फर्स्ट वाला जो किचन ट्रॉली है ना उसे मैंने रहने दिया था ताकि मैं आपको बिल्कुल आपके आंखों के सामने क्लीन करके दिखाऊं ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं पहले जब मैंने किचन ट्रॉली निकाला था तो बहुत सारे यहाँ पे रस्ट लगा हुआ था जंग लगा हुआ था और इस मिश्रण को अप्लाई करते ही जंग बिल्कुल छूम अंतर हो गया गायब हो गया है तो बस ये वाले ट्रॉली को मैंने नहीं क्लीन किया था तो चारों तरफ अच्छे से इस लिक्विड को अप्लाई कर देती हूँ फटाफट से एकदम और अब हमने ले लिया है सूखा कपड़ा एक और सूखे कपड़े से अप्लाई करने के बाद कुछ मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद सूखे कपड़े से बढ़िया से हम इसे पोछ लेंगे ड्राई कर देंगे बढ़िया से एकदम चकाचक हो जाएगा बिल्कुल नए में जैसा होता है ना किचन ट्रॉली सेम वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से क्लीन हो चुका है थोड़ा भी मतलब यहां पर जंग का नामो निशान भी नहीं बचा हुआ है और हमारी जो किचन ट्रॉली है बिल्कुल नई की तरह चमक उठी है तो किचन ट्रॉली तो साफ हो गया है अब क्या करना है अब ये वाला जो स्टेप है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं नारियल का भी तेल ले सकते हैं और एक कॉटन ले लीजिए रूई ले लीजिए या छोटा सा ब्रश ले लीजिए और चैनल के ऊपर है ना बढ़िया तरीके से तेल का एप्लीकेशन लगा देना है मतलब कि तेल बढ़िया से लगा देना है ताकि ये चमक उठे और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो रस्ट लगा हुआ है वो नहीं लगेगा और आपकी किचन ट्रॉली आसानी से खुलेगी भी और बंद भी होगी कोई दिक्कत नहीं आएगी तो सारे किचन ट्रॉली के जो चैनल्स है उसमें हम बढ़िया से तेल का एप्लीकेशन कर देंगे ताकि हमारा किचन ट्रॉली में खोलने बंद करने में कोई दिक्कत ना आए तो यहां पर अच्छे से अंदर वाला तो पार्ट हमने साफ कर लिया तेल का एप्लीकेशन भी लगा दिया अपने ट्रॉली में अब बाहर वाला जो पार्ट है सेम लिक्विड के लिक्विड में मैंने थोड़ा सा कपड़े को गिला कर लिया था और एक बारी अच्छे से पोष ले रही हूं और उसके बाद इसे भी हम दो मिनट के लिए रहने देंगे ताकि जो भी चिपचिपापन है गंदगी है डाक ढब्बे हैं, वो अच्छे से इस लिक्विड की मदद से निकल जाएगा और उसके बाद हम सूखा कपड़ा लेंगे और सूखे कपड़े से बढ़िया से थोड़ा सा हाथ को है ना दबा करके मतलब थोड़ा ताकत लगा करके फटाफट से हम पोष लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो किचन कैबिनेट किचन ट्रॉली अंदर और बाहर से बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है डिपली क्लीन हो चुका है तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी हेल्पफुल लगेगी फ्रेंड्स तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा आपका कॉमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मोटिवेट होती हूँ मैं और इसी तरीके से नई नई रेसिपी और नए नए वीडियो लेकर आप सभी के लिए आती रहूंगी और प्रेस कर दीजिएगा साइड वाला बेल बटन ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले थैंक यू फॉर वॉचिंग